हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और इस बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, इनका टेन्योर कब से शुरू होता है, और इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनसे पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट, ये इसके बाद आए थे। और इन्होंने जो ऑफिस में आए थे, जिस साल से इन्होंने ऑफिस में अपना कार्यभार संभाला था, वो साल था 1828। ये ऐसे पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे जिससे इंडियन सोसाइटी में उस समय पे जो बहुत सोशल इवेंट्स प्रेवलेंट थे ना, उनको इंडियन सोसाइटी से बाहर निकाला जा सके। जैसे कि आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा। सती प्रथा में क्या होता था कि एक ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड मर चुका हो, तो जब उसके हस्बैंड के लास्ट राइट्स होते थे, उसको जलाया जाता था, तो उस लेडी को जिंदा अपने हस्बैंड के साथ बैठा दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके की बेकार और कहते हैं ना दकियानूसी प्रथाएं उस समय चलती थी, उनको हटाया। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था कि जो लड़कियां पैदा होती थी, छोटी होती थी, तो उस समय पे, और आज के डेट में भी आपको पता है कि लोग लड़के चाहते हैं ज़्यादा, लड़कियां नहीं चाहते, तो उस समय पे जो छोटी बच्चियां पैदा होती थी उनको मार देते थे। तो इन तरीके के सोशल इवेंट्स को हटाने के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन लेके आए विलियम बेंटिक एक स्ट्रॉन्ग हैंड से। तो ये कह सकते हैं कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडियन सोसाइटी की तरफ। लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक कंपैशनेट लीडर माना जाता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री को रीऑर्गेनाइज किया और बहुत सारे न्यू लॉज और रिफॉर्म्स को इस्टैब्लिश किया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा जाता है। विलियम बेंटिक के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो थग्स थे उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया उन्होंने। थग्स थे जो लोगों को लूट लेते थे, उनको जान से मार देते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया। उसके बाद जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज होती थी उस टाइम की, उसको इंडियंस में डिस्ट्रीब्यूट किया। सबॉर्डिनेट सर्विसेज देखिए, एक तो होती थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो बिल्कुल एलीट सिविल सर्विसेज थी, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हो गया, उनके नीचे काम करने वाले जो लोग थे जिसको सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोलते हैं, जैसे क्लर्क की नौकरी हो गई, ठीक है, प्यून की नौकरी हो गई, इस टाइप की जो सर्विसेज थी उनको इंडियंस में बांटा। फ्रीडम ऑफ प्रेस को एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने जो प्रिवेलिंग एजुकेशनल सिस्टम था, पढ़ाई का जो सिस्टम था इंडिया में, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि गवर्नर जनरल जब लॉर्ड बेंटिक बने, उससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल्स आए थे उनमें से किसी ने भी इंडियन सोसाइटी से सोशल इवेंट्स को हटाने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं किए थे जितने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए हैं। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, सती प्रथा को हटाया, किलिंग ऑफ द इन्फेंट्स को उन्होंने इलीगल किया। आपको पता है 19वीं सेंचुरी के दौरान में स्पेशली बंगाल प्रोविंस में जो सती प्रथा का जो रिचुअल था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। इसमें मैंने आपको बताया कि जब किसी वुमेन का हस्बैंड मर जाता था, तो जो वाइफ थी उसके डिवोशन को इस तरीके से माना जाता था कि उसके हस्बैंड के साथ जब उसे जलाया जाएगा ना, तभी उस वाइफ का डिवोशन पूरी तरीके से दिखेगा। इस तरीके की सोच थी लोगों की उस टाइम पर। तो ये कह सकते हैं कि उनको जलाया इसलिए जाता था, उस लेडी को अपने हस्बैंड के साथ इसलिए जलाया जाता था ताकि इससे उस कपल का, कहते ना नेवर एंडिंग यूनियन, मतलब एक पर्सन मर गया है तो दूसरा भी उसके साथ मरे। तो ये तो रिवर्स केस में भी होना चाहिए था कि अगर वाइफ मर जाती है तो हस्बैंड को भी उसके साथ जलाना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। तो एक तरीके से दिस प्रैक्टिस वॉज वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स अ वुमन। इसको ख़त्म किया, ठीक है, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के अलावा बहुत सारे प्रिंसेस और फॉरेन मर्सरीज ने भी बहुत सारे सेवरल स्टेप्स लिए थे जिससे कि इस तरीके के रिचुअल, सती प्रथा जैसे रिचुअल्स को हमारी सोसाइटी से हटाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल पुर्तगीज़ आए थे, तो पुर्तगीज़ ने जहाँ जहाँ राज किया, पुर्तगीज़ ने जिन जिन टेरिटरीज पर राज किया, वहाँ से उसने सती प्रथा को उन्होंने हटा दिया। अकबर ने बहुत कोशिश की कि सती प्रथा को हटाया जा सके, पर सती प्रथा को पूरी तरीके से हटाना अकबर की पावर के बाहर था। पोर्तुगीज़ ने जिस एरिया में लाज किया उस एरिया में सती प्रथा को हटा दिया, पर उसके बाहर के एरिया में उस सती प्रथा को नहीं हटा पाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले जिन जिन रूलर्स ने, जिन जिन इंडियन प्रिंसेस ने इस चीज़ को हटाने की कोशिश की थी, सती प्रथा को और बाकी सोशल इवेंट्स को हटाने की कोशिश की थी, वो काफ़ी हद तक फेल रहे थे अपने एफर्ट में। सबसे ज़्यादा सक्सेस अगर किसी को मिली है सती प्रथा और बाकी सोशल इवेंट्स को हटाने में, तो वो मिली थी लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को बहुत माना जाता है। उसके आगे आते हैं कि
बेंटिक के टाइम से पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी एक पॉलिसी थी, और उसकी पॉलिसी ये थी कि भारतीय लोगों के जो रिलीजियस तरीके हैं ना, और जो सोशल वेज हैं, जो सोशल वेज है, रिलीजियस वेज हैं, इनके साथ इंटरफेरेंस मत करो, ठीक है, उनको जैसे करना है उनको वैसे करने दो। ईस्ट इंडिया कंपनी का सोचना ये था कि हम कॉमर्शियल कंपनी है, हम पॉलिटिकल डोमिनेशन कर रहे हैं, कॉमर्शियल डोमिनेशन कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लोगों के सोशल और रिलीजियस यू नो भावनाओं में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि उससे एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के एटीट्यूड को साइड रखते हुए सीधे सीधे सोशल इवेंट्स को हटाया, सती प्रथा जैसे यू नो जो इंस्टीट्यूशन जो पता नहीं सदियों से चला आ रहा था, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो एम था कि उसको इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, उसमें उसको बहुत सारे एलीट और बहुत सारे पढ़े लिखे और कहते हैं ना विजनरी इंडियंस से मदद भी मिली, जैसे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सती प्रथा को हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनकी खुद की बहन को सती प्रथा के यू नो क्रूएल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गुजरना पड़ा था। इसलिए राजा राम मोहन रॉय का क्या था कि वो जहाँ जहाँ पे भी शमशान घाट होते थे, जहाँ जहाँ पे भी ये प्रथा चलाई जाती थी, वहाँ पे जाके वो औरतों को और उनके घर वालों को समझाते थे कि आप ये मत करिए, पैम्फलेट्स बांटते थे जनरल पीपल में ताकि उनको बता सके कि आप सती प्रथा को फॉलो मत करिए। और भी सोशल इवेंट्स के खिलाफ भी राजा राम मोहन रॉय ने अपनी जंग छेड़ रखी थी, और इसमें उनको लॉर्ड विलियम बेंटिक की पूरी मदद मिली, ठीक है। उसके आगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही वो प्रोसेस चलाया जिससे कि एंटी सती लॉज को लाया जा सके। उस समय पे जितने भी प्रोमिनेंट केसेस उभर के आ रहे थे इस चीज़ के, उसके बाद जो जो भी ओपिनियंस आ रहे थे आर्मी ऑफिसर्स के, जो निज़ामत अदालत के जो जजेस थे और जो उस समय पुलिस के सुपरिटेंडेंट थे, अलग अलग प्रोविंसेस थी बंगाल में, उनसे राय ली गई, ठीक है, उनसे स्टैटिस्टिक्स लिए गए, और उस हिसाब से फाइनली एक रेगुलेशन लेके आए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशन 17, वो लाया गया था दिसंबर 1929 में, जिससे सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये बोला गया इस रेगुलेशन के हिसाब से कि सती प्रथा किसी भी फॉर्म में इलीगल है, और अगर कोई सती प्रथा को करता है या बढ़ावा देता है तो उसको कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। पहले क्या हुआ कि सती प्रथा के खिलाफ ये जो लॉ लाया गया उसको केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में अप्लाई किया गया, लेकिन आगे चल के 1830 में इसको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी अप्लाई किया गया। अब शुरू में तो इसके खिलाफ कोई पब्लिक ऑर्डर या राइट या किसी भी तरीके का मतलब कोई रिवल्शन नहीं हुआ, लेकिन एक प्राइवी काउंसिल होता था जो इंग्लैंड में बैठता था। इस प्राइवी काउंसिल का काम क्या था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस दिए जा रहे हैं या जो भी जुडिशियल डिसीजंस दिए जा रहे हैं इंडिया में, उसके खिलाफ एक अपील फाइल हो सकती थी इस प्राइवी काउंसिल में। तो बंगाली सोसाइटी के कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो इस प्राइवी काउंसिल में एक अपील लेके गए, और कहा गया कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी का और लॉर्ड विलियम बेंटिक का हमारे रिलीजियस रिचुअल्स में एक इंटरफेरेंस है। लेकिन इस अपील को माना नहीं गया, और फाइनली सती प्रथा को पूरी तरीके से सोसाइटी से हटाने में एक बहुत बड़ा रोल, आगे चल के सती प्रथा की चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी इस रेगुलेशन 17 के बाद सती प्रथा का जो ये कहते हैं ना जो ये इंस्टीट्यूशन था, सो काफ़ी हद तक रोक दिया गया, कम कर दिया गया, और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद 19th सेंचुरी बंगाल में इन्फेंटिसाइड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी जो छोटी छोटी गर्ल बेबीज होती थी, बच्चियाँ होती थी जो उस समय पैदा होती थी, उनको मार दिया जाता था, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमें बेटे हों, लड़कियाँ ना हो, और ये खासकर राजपूतों में बहुत ज़्यादा होता था। ये माना जाता था कि जो गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है वो एक ईविल है, और जो माँ एक गर्ल चाइल्ड को पैदा कर रही है ना, उसको श्राप मिला हुआ है। उस समय लोगों को ये पता नहीं था, ये अवेयरनेस नहीं थी कि मेडिकल साइंस में ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका जो सेक्स होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये फादर के जीन्स पे डिपेंड करता है, ना कि मदर के जीन्स पे। जो फादर के जीन्स हैं उस पे डिपेंड करेगा कि बच्चा बॉय होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, पर लोगों को पता नहीं था। तो लोगों का क्या कहना था कि भाई मदर पैदा कर रही है तो मदर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो जो गर्ल चाइल्ड पैदा होता था उसको तो मारते ही थे, और साथ साथ जो माँ उसे पैदा करती थी उसको भी कर्स करते थे, बुरा भला कहते थे। अब ये प्रैक्टिस गुजरात में भी कॉमन थी, बनारस में भी कॉमन थी, झरीजा राजपूत थे, जाट्स थे, मेवाती थे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बहुत जगह पे ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन थी। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस थी वो लीगल थी,
लीगल तो नहीं थी, लेकिन जो भी लॉ बनाए गए थे, जो भी मेजर्स लिए गए थे इस फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रैक्टिस को रोकने के लिए, बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट थे, इनएडुकेट थे और वो सक्सेसफुल नहीं थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सीधे सीधे कहा कि भाई ये फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो प्रैक्टिस है ये इनह्यूमेन है, इमोरल है और उसको प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टेप्स के थ्रू रोका गया। ठीक है, तो एक बंगाल रेगुलेशन आया 21 का 1795 में और एक रेगुलेशन 3 आया 1804 में, जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि भाई ये प्रैक्टिस इलीगल है। अच्छा, ये भी था कि भाई कुछ स्पेशल ओकेजन्स में, कोई एक खास जगह है बंगाल में सौगर आइलैंड करके, वहाँ पे बच्चों की बलि दी जाती थी। आप सोचिए क्या क्या होता था उस टाइम में इंडिया में। आज का जो मॉडर्न इंडिया है, हम लोग ये सोच के भी हमें आश्चर्य लगता है कि एक टाइम पे इंडिया जैसी जगह पे भी ये सब होता था कि बच्चों की बलि देना, इसको भी रोका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में कहा जाता है कि ही इज वाज अ ट्रू सोशल वर्कर। ब्रिटिश गवर्नर जनरल होने के बावजूद भी उसने इंडियन सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया। उसका ठगी की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उसने सिग्निफिकेंट और बहुत इफेक्टिव स्टेप्स लिए जिससे जो ग्रोइंग थग्स थे, जो चोर थे, जो लोगों को रास्ते में लूट लेते थे, उनको मार देते थे, उनको रोका जाए। ये एक ऐसा सेक्शन था सोसाइटी का जो एसेसिंस मतलब जो लोग खून करते हैं, मर्डरर्स होते हैं, और वो रॉबर्स, वो चोर जो ट्रेवलर्स होते हैं ना, जो रोडों से ट्रेवल करते हैं, उनको लूट लेते थे, उनको मार देते थे, तो उस सेक्शन को ये थग्स बिलोंग करते थे। अभी क्या था कि जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया और जो उसके बाद ना बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो ये 1764 के बाद से जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो बिल्कुल एकदम बेकार हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से थीव्स, चोर और थग्स जैसे लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो क्या हुआ कि कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे जिनको ये ड्यूटी दी गई कि आप इस ठगी को, इस चोरी को, इस लूटमार कार को, इस मारकाट को रोकिए, लेकिन वो जो ऑफिशियल्स थे जिनको ये ड्यूटी दी गई, उन्होंने इस चीज़ को रोकने की बजाय एक नेक्सस बना लिया इन क्रिमिनल्स के साथ, और वो ऑफिशियल्स ही इन क्रिमिनल्स को मदद करने लगे उनके काम करने में, ताकि ये क्रिमिनल्स बदले में उनको कुछ फ़ायदा दे सके। ठीक है, जैसे कि उन थग्स को नहीं पकड़ा, थग्स ने लोगों को मार दिया, उससे जो माल लूटा, उस माल के लूट में से थोड़ा बहुत ऑफिसर्स को दे दिया। तो इस हद तक उस समय पे बुरे हालात थे। तो लॉर्ड बेंटिंक ने कहा कि नहीं भाई, बहुत हो गया, ये सब चीज़ें अब नहीं चल पाएंगी, और उसने सीधे सीधे कहा कि भाई थग्स जो पकड़े जाएंगे, जो लोगों को मार रहे हैं, उनको तो सजा दी ही जाएगी, खासकर वो लोग जो थग्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको भी हार्श पनिशमेंट्स दिए जाएंगे। ये लॉर्ड बेंटिंक ने सीधे सीधे कहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेंटिंक ने पहले इन फीमेल इन्फेंटिसाइड पे भी एक लॉ पास किया था, रेगुलेशन 21, और थर्ड रेगुलेशन 1804 का सती प्रथा पे भी किया। ठीक है, और अब उसके बाद क्या नाम से ये हुआ कि उन्होंने जब ये चीज़ें करी, मतलब इन्फेंटिसाइड के खिलाफ लॉस एक्टिवेट किए, सती प्रथा के खिलाफ लॉस एक्टिवेट किए, तो ऑब्वियसली बात है जो पब्लिक ओपिनियन था ना उस टाइम का, वो थोड़ा थोड़ा लॉर्ड बेंटिंक के फेवर में आने लगा। लॉर्ड बेंटिंक को लगने लगा कि मतलब लोगों को लगने लगा कि ये जो पर्सन है हमारे लिए अच्छा कर रहा है, तो पब्लिक ओपिनियन लॉर्ड बेंटिंक के फेवर में आया बेंटिंक के। और लॉर्ड बेंटिंक ने एक और स्टेप लिया, उसने एक लॉ पास किया जिसमें हुआ ये कि 1500 थग्स को पकड़ा गया और उनको डेथ की सज़ा दी गई। इससे क्या हुआ कि जब थग्स को इतने मैसिव स्केल पे पकड़ के मारा गया, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई, तो जो बाकी थग्स थे वो डर गए। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड थग्स का जो बिजनेस चल रहा था ना कि लोग जा रहे हैं रोड में और उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, उनका सामान लूट रहे हैं, इसको बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। तो अपने 7 साल के टेन्योर में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बहुत सारे अमेजिंग काम किए, जिसमें से ठगी वाला काम भी ये था। मतलब उसने सोशल प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी उसने थोड़ा बहुत किया। अच्छा, विलियम बेंटिंक ने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी लेके आया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी लेके आया, कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लेके आया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बाकी गवर्नर जनरल के कंपैरिजन में कम ध्यान दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो डेडिकेटेड वर्क था ना लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, इसने इंडिया को बहुत सारे सोशल इविल्स से निजात दिलाई, बहुत सारे सोशल इविल्स को कम किया इंडिया में। ठीक है, तो क्या था कि अच्छा बेंटिंक था ना, वो बहुत ही फार साइटेड वो था, एडमिनिस्ट्रेटर था वो। उसने क्या हुआ ना कि यार फ्री ट्रेड को इनक्रेज करने के लिए जो ट्रांजिट ड्यूटीज़ लगती थी ना, हर जगह पे टोल नाका लगा देते थे, उसको ख़त्म किया ताकि फ्री ट्रेड को इनक्रेज किया जा सके।
उसके बाद क्या किया कि उसने रिवर और ओशन से एक स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट बनाया, जिससे कि जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड है वो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी तेज़ी से हो सके। उसके बाद अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री के बढ़ावे की बात है, तो उसने टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन और प्रोडक्शन को इनकरेज किया, ठीक है। आयरन और कोल के खनिज मतलब उसके माइनिंग पे थोड़ा और ध्यान दिया। हुआ ये कि मुगल्स का बहुत सालों तक राज रहा और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सालों तक राज रहा। तो इस टाइम पे क्या है ना कि इंडियन जो सोसाइटी थी ना, उसमें सोशल इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वो गवर्नर जनरल था कि उसने उस सोशल इवेंट्स को हटा के इंडियन सोसाइटी को बहुत बेहतर किया, और इंडियन सोसाइटी में जो लोग थे उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर कुछ हद तक तो उन्होंने सुधारा। इस वजह से कहा जाता है कि जो बहुत सारे गवर्नर जनरल थे ना, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को बहुत स्पेशल स्थान दिया जाता है, और उसको इंडियन सोसाइटी में और आज के हिस्टोरियंस में बहुत सारे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि जो उसके सोशल रिफॉर्म्स थे ना, वो बहुत यूज़फुल थे इंडिया के लिए। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए फ्रेंड्स, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।